गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स एंड अस्सलाम वालेकुम। आई होप यू ऑल आर फाइन। टुडे इज 23rd लेक्चर ऑफ फिजिक्स एंड वी वर डूइंग चैप्टर नंबर 2 दैट इज काइनेमैटिक्स। फॉर दिस ओपन योर बुक्स पेज नंबर 29। इन द प्रीवियस लेक्चर वी वर डिस्कसिंग अबाउट टाइप्स ऑफ मोशन। हम टाइप्स ऑफ मोशन को डिस्कस कर रहे थे। आई हैव टोल्ड यू दैट देयर आर बेसिकली थ्री टाइप्स ऑफ मोशन, ट्रांसलेटरी मोशन, रोटेटरी मोशन एंड वाइब्रेटरी मोशन। और ट्रांसलेटरी मोशन भी फर्दर थ्री टाइप्स की होती है, लीनियर, रैंडम एंड सर्कुलर मोशन। ट्रांसलेटरी मोशन क्या होती है कि जब बॉडी एक लाइन में मूव कर रही है विदाउट रोटेशन, रोटेशन के बगैर वो एक लाइन में मूव कर रही है, तो इट मींस कि वो ट्रांसलेटरी मोशन शो कर रही है। और वो लाइन कोई स्ट्रेट लाइन भी हो सकती है, कोई कर्व भी हो सकता है। और इसके लिए मैंने आपको डिफरेंट एग्जाम्पल्स बताई थी, जिनमें से एक फेरिस व्हील की एग्जाम्पल थी, जिसमें बॉडी एक कर्व पाथ में यानी एक सर्कल में मूव तो कर रही है विदाउट एनी रोटेशन। तो ये बेसिकली ट्रांसलेटरी मोशन को शो कर रही है। फिर उसके बाद हमने उसकी डिफरेंट टाइप्स पढ़ी थी, लीनियर मोशन जब बॉडी एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही होती है, सर्कुलर मोशन जब बॉडी एक सर्कुलर पाथ में मूव कर रही होती है, जैसे कि ड्रॉ ए ट्रेन, ये एक सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है, तो इट मीन्स कि ये सर्कुलर मोशन शो कर रही है। और उसके अलावा रैंडम मोशन जब बॉडी एक इररेगुलर वे में यानी एक रैंडमली मूव कर रही है, कोई एक स्पेसिफिक पाथ पे मूव नहीं कर रही, रैंडमली मूव कर रही है, तो इट मींस कि वो रैंडम मोशन शो कर रही है, जैसे इंसेक्ट्स और बर्ड्स की मैंने आपको एग्जांपल दी थी। उसके बाद हमने रोटेटरी मोशन पढ़ा था कि स्पिनिंग ऑफ बॉडी अबाउट इट्स एक्सिस। जैसे ये टॉप है तो ये क्या है, ये अपने एक्सिस, ये इसके एक्सिस है, इसके अराउंड ये स्पिन होगा, ठीक है, ये इस तरह गोल गोल घूमेगा अबाउट इट्स एक्सिस। तो इस मोशन को हम कह रहे होते हैं कि ये रोटेटरी मोशन है। सिमिलरली आप इसको देखें, यहाँ इस फुटबॉल के एक्सिस ये हैं जिसके अराउंड ये रोटेट होगा, इस व्हील के एक्सिस ये हैं जिसके अराउंड ये रोटेट होगा, ये स्पिन होगा। ये हमें क्या शो कर रहे हैं, ये हमें रोटेटरी मोशन शो कर रहे हैं। फिर हमने देखा था कि कैसे रोटेटरी मोशन सर्कुलर मोशन से डिफरेंट है, कि इसमें क्या होता है कि जिस लाइन जिसके अलॉन्ग बॉडी मूव करती है वो इसी बॉडी में से ही पास करके जा रही है, ठीक है। तो रोटेटरी मोशन में बॉडी में से ही लाइन पास करती है, और सर्कुलर मोशन में जिस पॉइंट के अराउंड बॉडी मूव करी है वो आउटसाइड द सर्कल होता है, ठीक है, सॉरी आउटसाइड द बॉडी होता है। तो ये हमने इनका डिफरेंस पढ़ लिया था। उसके बाद वाइब्रेटरी मोशन क्या होती है, टू एंड फ्रो मोशन ऑफ अ बॉडी अबाउट इट्स मेन पोजीशन। जैसे आप ये देखें, ये बच्चा बैठा हुआ है, ये स्विंग जो है ना, ये मेन पोजीशन में, अभी ये बिल्कुल स्टेबल है ना, ये मेन पोजीशन है इसकी। जब ये मूव करेगा टू एंड फ्रो, बैक एंड फोर्थ जब मूव करेगा, तो वो ये कौन सी मोशन शो कर रहा है, ये वाइब्रेटरी मोशन शो कर रहा है। सिमिलरली इस पेंडुलम में देखें, जब ये टू एंड फ्रो मूव करेगा, आगे पीछे मूव करेगा, तो इट मींस कि ये वाइब्रेटरी मोशन शो कर रहा है। और यहाँ पर साथ कंडीशन क्या है, अबाउट मेन पोजीशन, अपनी मेन पोजीशन के अलोंग ही ये टू एंड फ्रो मूव कर रहा है, इट मींस कि ये वाइब्रेटरी मोशन शो कर रहा है। तो ये थ्री टाइप्स ऑफ मोशन, ये तो सब हो गया कम्प्लीट। इसमें ये डिफरेंट एग्जाम्पल्स लिखी हुई हैं, आप ये खुद पढ़ लें, क्योंकि जो मेजर कॉन्सेप्ट था वो मैंने आपको दे दिया है। इसके बाद आ जाते हैं स्केलर्स एंड वेक्टर्स। स्केलर्स क्या होते हैं और वेक्टर्स क्या होते हैं। स्केलर क्वांटिटीज़, ये पिंक बॉक्स देखें, अ स्केलर क्वांटिटी इज़ डिस्क्राइब कम्प्लीटली बाय द मैग्नीट्यूड ओनली, ठीक है, जिसमें आप सिर्फ मैग्नीट्यूड को बता रहे हैं ना, या जो कम्प्लीटली आप इंफॉर्मेशन डिलीवर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ मैग्नीट्यूड, तो वो आप कह रहे होते हैं कि वो स्केलर क्वांटिटी। अब मैग्नीट्यूड क्या होता है, मैंने प्रीवियस चैप्टर में बताया था कि न्यूमेरिकल वैल्यू जो होती है ना, उसको हम कहते हैं कि वो मैग्नीट्यूड है। जैसे ये है ना 2.5 ग्राम किलोग्राम सॉरी, तो इसमें जो 2.5 है ना, ये नंबर वाली वैल्यू, इसको हम कहते हैं मैग्नीट्यूड, ठीक है। जो वैल्यूज़ सीधा सीधा मैग्नीट्यूड से ही या न्यूमेरिकल वैल्यू से ही हम एक्सप्लेन कर देते हैं, वो होती हैं आपकी स्केलर क्वांटिटीज़। अब इसमें एग्जांपल कौन कौन सी क्वांटिटीज़ को हम स्केलर क्वांटिटीज़ कहते हैं। स्केलर क्वांटिटीज़ आर मास, लेंथ, टाइम, स्पीड, वॉल्यूम, वर्क एंड एनर्जी। ये क्या है, इनको हम सीधा सीधा बता सकते हैं विद द हेल्प ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यू, इसमें और कुछ भी नहीं चाहिए होता। अब वेक्टर क्या होते हैं, वेक्टर आर द क्वांटिटीज़ दैट आर कम्प्लीटली डिस्क्राइब बाय मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। ये इसकी डेफिनेशन है कि जिसमें हमें मैग्नीट्यूड भी चाहिए होता है और साथ में हमें डायरेक्शन भी देखनी होती है, वो होती हैं वेक्टर क्वांटिटीज़, ठीक है। जैसे कि मैं आपको पहले आप इसकी एग्जांपल्स देख लें, एग्जांपल्स क्या हैं वेक्टर क्वांटिटीज़ की, वेलोसिटी, फोर्स, डिस्प्लेसमेंट, मोमेंटम, टॉर्क एटसेट्रा, ये सब इसकी एग्जांपल्स हैं। अब देखें इसका कहने का मतलब क्या है, कि हम इसको एक्सप्लेन कर लेते हैं विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। कि लेट्स सपोज आपके पास ये फिगर है ना 2.13, इसमें दो केसेस नज़र आ रहे हैं। केस ए में देखें, एक टेबल है, दो बंदे उस टेबल को सेम डायरेक्शन में पुश कर रहे हैं, ठीक है, सेम डायरेक्शन में उसको धक्का लगा रहे हैं, तो उसका रिजल्ट क्या होगा कि वो जो टेबल होगा वो आगे की तरफ मूव कर जाएगा। तो ये क्या था, जब दोनों ने सेम डायरेक्शन में 5 न्यूटन की लेट्स सपोज फोर्स लगाई है, इसने भी पहले बंदे ने भी 5 न्यूटन की फोर्स लगाई है, दूसरे बंदे ने भी 5 न्यूटन की फोर्स लगाई है, तो एज अ रिजल्ट क्या होगा कि ये टेबल आगे की तरफ उसी डायरेक्शन में मूव कर जाएगा। और अगर ऐसा हो जाए कि दोनों वही 5 न्यूटन की फोर्स ओपोजिट डायरेक्शन में लगा रहे हैं, यानी एक एक लगा रहा है इस तरफ
ठीक है, और दूसरा उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में लगा रहा है वही फोर्स 5 न्यूटन की इस तरफ, तो रिजल्ट क्या होगा, ये टेबल अपनी जगह से मूव नहीं करेगा, ये यहीं पर रहेगा। तो सिर्फ देख ले वेक्टर की डायरेक्शन चेंज होने की वजह से इसके बॉडी की वर्किंग चेंज हो गई है, इस टेबल की वर्किंग डिफरेंट हो गई है कि यहाँ पर क्या ये आगे मूव कर गया था और यहाँ पर वेक्टर की डायरेक्शन ऑपोजिट होने की वजह से ये मूव नहीं करेगा, यहीं स्टेबल रहेगा। तो ये बेसिकली ये बताने का मकसद ये था कि आपको ज़रूरत क्या क्यों पड़ी थी वेक्टर्स की, यहाँ पर हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है, मैग्नीट्यूड के साथ साथ हमें डायरेक्शन भी देखनी पड़ती है, डायरेक्शन भी मैटर करती है। इसके बाद टू डिफरेंशिएट अ वेक्टर फ्रॉम अ स्केलर क्वांटिटी, अब स्केलर क्वांटिटीज को तो हम सिंपल ऐसे रिप्रेजेंट कर देते हैं ना कि जैसे कोई है स्केलर क्वांटिटी ए बी, लेट्स सपोज उसका मैग्नीट्यूड इतना है, लेकिन जब वेक्टर की बात आ जाती है उसे स्केलर से डिफरेंशिएट करने के लिए हम बोल्ड लेटर्स को यूज़ करते हैं, यानी बोल्ड लेटर्स जैसे आप मार्कर से लिख देते हैं, ठीक है, वैसे तो आप सिंपल पेन से भी लिख सकते हैं ना, ये कोई भी वैल्यू न्यूमेरिकल वैल्यू को एक्सप्लेन कर सकते हैं, लेकिन जब आप वेक्टर को एक्सप्लेन कर रहे हैं तो या तो आप उसे बोल्ड लेटर से लिख लेंगे, या दूसरा मेथड क्या है कि आप वो लेटर सिंपल लिख के उसके ऊपर एक एरो हेड डाल देंगे, जैसे ये इधर छोटा सा एरो हेड डाला हुआ है ना, इस तरह एरो हेड से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और बोल्ड लेटर से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये भी हो गया एक पॉइंट। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर अराइज होता है कि हाउ वी कैन रिप्रेजेंट अ वेक्टर ग्राफिकली, ग्राफिकली हम कैसे दिखा सकते हैं एक वेक्टर को, कैसे प्लॉट कर सकते हैं, कैसे बना सकते हैं। तो इसमें फिगर 2.14 भी देख लीजिएगा और साथ में मैं यहाँ से एक्सप्लेन भी कर देती हूँ, ये इसका आंसर जो मैंने क्वेश्चन पूछा उसका आंसर यहाँ से होगा। ग्राफिकली अ वेक्टर कैन बी रिप्रेजेंट बाय अ लाइन सेगमेंट विद एन एरो हेड, कि एक लाइन सेगमेंट बनाएंगे, ठीक है, जैसे ये लाइन है, ठीक है, ये लाइन है ना, ये वाली लाइन है फिगर 2.14 में, और एरो हेड ऊपर उसके लग जाएगा। अब इस लाइन का इन्होंने नेम रख दिया है ए बी लाइन सेगमेंट, ठीक है, ए बी, या सिंपली कह दें कि द लाइन ए बी विद एन एरो हेड बी, एरो हेड किस पे पॉइंट पे है, बी पे है, रिप्रेजेंट अ वेक्टर वी, और ये हमें क्या एक वेक्टर वी रिप्रेजेंट कर रहा है, द लेंथ ऑफ द लाइन ए, द लेंथ ऑफ द लाइन ए बी गिव्स द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। अगर हम यहाँ से यहाँ तक की लेंथ फाइंड आउट कर लेंगे ना, यहाँ से ए से लेकर बी तक की, तो ये हमें मैग्नीट्यूड बता देगा, और ये जो एरो हेड है ना ये हमें उसकी डायरेक्शन बता रहा है। तो वेक्टर को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, उसका मैग्नीट्यूड से भी और साथ में उसकी डायरेक्शन से भी। लेंथ लेट्स सपोज यहाँ पर 5 सेंटीमीटर है, तो ये 5 सेंटीमीटर इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, और क्योंकि ये अपर डायरेक्शन में बी की डायरेक्शन में है तो वो उसकी डायरेक्शन हो जाएगी। तो ये इसका आंसर यहाँ से लेकर यहाँ तक हो जाएगा। आई होप आपको आज का लेक्चर समझ आ गया हो। तो अब देखें इसमें अगर स्केलर क्वांटिटीज़ और वेक्टर क्वांटिटीज़ का डिफरेंस आ जाता है तो आप इसमें 3 पॉइंट्स लिख सकते हैं, आप इसमें इन दोनों स्केलर की और वेक्टर की डेफिनेशन लिख सकते हैं, आप इसमें वो इनकी एग्जांपल्स लिख सकते हैं, उसके अलावा आप इसमें ये इनकी रिप्रेजेंटेशन लिख सकते हैं कि जो स्केलर क्वांटिटी है उसे तो आप सिंपल अल्फ़ाबेट से शो कर सकते हैं, लेकिन जब वेक्टर क्वांटिटीज़ आएगी तो आपने उसे बोल्ड लेटर से या तो फिर ऊपर एरो हेड डाल के तो फिर आप इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो अब आपकी डायरी ये है, You have to write these two questions on your sheets. Differentiate between scalar and vectors. Scalar quantities or vector quantities जो भी हैं, scalars और vectors क्या होते हैं, आपने उनका difference लिखना है और difference line लगा के बीच में फिर front पे एक दूसरे के सामने आमने सामने लिखना है। Next question is how we can represent a vector graphically. Graphically हम vector को कैसे represent कर सकते हैं, इसे आपने इसका answer लिखना भी है और साथ में graphically plot करके भी बताना है। Okay students, still if there will be any confusion or any question you can ask. Allah Hafiz.